इंटरेस्ट रेट इट है डिपॉजिटर्स जो आप पैसा डिपॉजिट कर रहे हो अकाउंट में एक साल के बाद उसका टू टू पॉइंट सेवन इंटरेस्ट एक लाख के ऊपर एक, एक लाख पड़ा आपके अकाउंट के अंदर ठीक है एक साल के तेन्यूर कंप्लीट होने के बाद आपके अकाउंट में एक लाख सताइसौ होगा ठीक है बैंक लेंडिंग अ मनी इन अ फॉर्म ऑफ अ लोन टू दस बोरोअर्स उन्होंने एक लाख का लोन लिया बैंक है गैप बिटवीन द डिपॉजिटर्स एंड द बोरोस लोन ऑफ इंटरेस्ट इज द इनकम ऑफ बैंक टू पॉइंट सेवन टेन परसेंट में से टू पॉइंट सेवन निकाल जो बच गया ठीक है दैट इज द इनकम ऑफ द बैंक सेवन पॉइंट थ्री 7.3 परसेंट इंटरेस्ट रेट जो बैंक अर्न कर रहा है वो उसकी इनकम है उस इनकम को कंस्ट्रक्टिव वे में यूज किया जाता है शेयर्स में लगाया जाता है ठीक है प्रॉपर्टी एसेट इंडस्ट्रीज इन्वेस्ट किया जाता है उससे जो प्रॉफिट मिलता है उस प्रॉफिट को आपको इंटरेस्ट की फॉर्म में रिटर्न किया जाता है ठीक है ना दिस इज एज इनकम ऑफ दिस इज कंप्लीट एज बैंक एक्टिविटी सो बैंक अ बैंक इज जी नहीं अब दोबारा बोलो क्या कहना चाहते हो डिपॉजिट क्रिएटेड बाय द बैंकिंग सिस्टम एंटायरली बाय एंटायरली बाय द बैंकिंग सिस्टम एवरी एडवांस मेड बाय बैंक क्रिएट्स अ अरस्पॉन्डिंग डिपॉजिट्स कॉरस्पोंडिंग डिपॉजिट्स

ठीक है ना फॉर विच शी कैन यूज एस टू ऑफ द वेज या तो ये दिमा डी डी यूज करेगी डिमांड ड्राफ्ट यूज करेगी या चेक यूज किया जाएगा चेक के थ्रू ये ऑन द स्पॉट विड्रॉ करवा सकती है डिमांड आर जनरली यूज फॉर ट्रांसफर ऑफ द इसने अपना पैसा कहीं और ट्रांसफर करना है अपने नेबरिंग कहीं प्लेस में बिहार में वेस्ट बंगाल झारखंड कहीं आउटस्कर्ट्स में कहीं भी पैसा ट्रांसफर करना है उस सिचुएशन में शी विल यूज एस अ डिमांड ड्राफ्ट इट इज एस अ पेपर डॉक्यूमेंट विच एज जहा आप भेजना चाहते हो जैसे आप बलजिंदर के अकाउंट में पैसा भेजना चाहते हो ठीक है डिमांड ड्राफ्ट बनेगा वो डिमांड ड्राफ्ट बलजिंदर को दिया जाएगा बलजिंदर अपनी बैंक में जाकर डिपोजिट करेगी ठीक है तब वो पैसा ट्रांसफर होगा पर आपके अकाउंट से वो निकल जाए निकल चुका होगा जब डीडी -डी बनेगा बढ़ेगा वेरी गुड एक नेफ्ट यूज किया जाता है मोर देन सॉरी पेमेंट ऑफ देन टेन लैक्स अगर आपकी पेमेंट उससे ज्यादा ट्रांसफर फंड उसके लिए नेफ्ट होता है उसमें सिक्सटी के अराउंड पैसे लगते हैं रुपीज ठीक है Generally, you have to keep the two things: check and the demand drafts. Demand drafts, DD, demand drafts. So, on behalf of a total deposits in a bank, demand deposits of a bank, a person it can be as a withdraw the money from a bank on any of a working day, working day on a demand of a depositor, bank lending the such amount of a money means. जो पैसा बैंक के अंदर डिपॉजिट है वो सारा उसको यूज नहीं करते उसका कुछ परसेंटेज बैंक में सेव रहता है किसी भी टाइम विनीत को जरूरत पड़ सकती है ठीक है ना उसका कुछ परसेंटेज ट्वेंटी परसेंट होता है टोटल का टोटल का ट्वेंटी उसका ट्वेंटी परसेंट सिक्योर रखा जाता है बाकी एसेंट कंस्ट्रक्टिव में लगाया जाता है रिकी को लोन दे दिया गया है इट कैन ओपन देयर ओन वेजिटेबल वेंडर ठीक है ओन मोबाइल शॉप कोई भी काम शुरू कर सकते शू ठीक है सजन शूज की शॉप सो सेकेंड एज अ परचेसिंग ऑफ अ सिक्योरिटीज परचेसिंग ऑफ सिक्योरिटीज द बैंक बाइस सिक्योरिटीज एंड पेस एंड पे इट बाइस सिक्योरिटीज मैंने ये तो निकाल लिखू देख लिया डीज टू So, bank buys the securities and pays the sellers with its own check, with its own check and pay, with its own check, which again, which again, bank buys the securities. which can again pay in cash it is just a promise to pay cash it is just promise to pay cash the check is deposited in some bank and a deposit and deposit डिपॉजिट क्रेडिट डिपॉजिट क्रेडिट फॉर द सेलर ऑफ सिक्योरिटीज फॉर द सेलर ऑफ सिक्योरिटीज डिस क्रेडिट क्रिएशन डिसक्रेडिट क्रिएशन दिस क्रेडिट क्रिएशन इस बैंक्स डिस्काउंट बैंक्स डिस्काउंट ऑन बिल ऑफ एक्सचेंज बिल ऑफ एक्सचेंज बिल ऑफ एक्सचेंज

उस प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी को सेल करके अमाउंट को रिकवर किया जाएगा ठीक है ना अब वो गारंटी क्या होगी इट इटमे भी ऐसा कुछ, लिया, फाइव लैक्स का उसको कोई गारंटी देनी है गारंटी इट इटमे बी एज अ प्रॉपर्टी पेपर्स आपके प्रॉपर्टी के पेपर्स होंगे आपका कोई भी चाहे कार के पेपर्स हैं कुछ भी है रिकॉर्ड है अगर आप लोन रिटर्न नहीं करते हैं उस सिचुएशन में बैंक क्या करे उसका तो नुकसान हो जाएगा ठीक है ना वो उस जो गारंटी में सामान होगा उसको बेचकर अपनी अमाउंट को रिकवर रिकवर करेगी उसकी एक और सिचुएशन हो सकती है अब गुजराल जी माइग्रेटेड है ठीक है माइग्रेंट है उसके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है उस सिचुएशन में कोई और गारंटी भर सकता है विनीत रूप ने गारंटी ली है ना मैं गुजराल को जानती हूँ आप इसे लोन दे दीजिए लक्ष्य गुजराल जी भाग गए पैसे नहीं दिए उस सिचुएशन में बैंक क्या करेगी विनीत रूप की प्रॉपर्टी एक्वायर करेगी बेच देगी और उसे ठीक है ना ठीक विनीत विनीत दीज आर अ कोलेट्रल्स नाउ द लोन एक्टिविटीज ऑफ अ बैंक लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक थ्रू द एडवांसिंग लोन्स एडवांसिंग लोन्स द बैंकर्स हैज़ टू शोल्डर हेवी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी द बैंक प्रॉफिट बाय एडवांसिंग लोन्स 10 परसेंट उसे इंटरेस्ट मिल रहा है, से. वो को दे रहा है जिसकी पैसा आया हुआ है उसको 2.7 दे रहा है बाकी 7.3 उसके पास मनी क्रिएट हो रही है उस मनी को वो कंस्ट्रक्टिव वे में यूज करती है ठीक है ना उसके लिए टर्म्स ऑफ क्रेडिट यूज की जाती है लोन दिया जाता है लोगों को लोन दिया जाएगा तो इंटरेस्ट आएगा वापिस ठीक है ना टर्म्स ऑफ क्रेडिट डिट आर फर्स्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट यह देखा जाता है इंटरेस्ट का रेट क्या है टर्म्स ऑफ क्रेडिट इंक्लूड्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मोड ऑफ रिपेमेंट मोड ऑफ रीपेमेंट मोड ऑफ रीपेमेंट थर्ड कोलेक्ट्रल थर्ड कोलेक्ट्रल fourth documentation first collateral second rate of interest third mode of repayment and fourth documentation so first collateral collateral includes collateral includes those securities or assets used by individuals Used by individuals, assets, assets used by individuals for their securities. It may be a property, livestock, property papers, livestock, livestock. लाइव स्टॉक लाइव स्टॉक थर्ड गैरेंट गंटर हाँ बलजिंदर गारंटर ही है नहीं हो

Will be no interest rate. जब आपने जितना पैसा उत, उसमें यूज कर लिया एक महीने के बाद उसके साथ इंटरेस्ट के साथ देना होगा साल के बाद देना होगा ठीक है जितना यूज किया है बाकी जो पड़ा है वो स्टैंड बाय रहेगा तो अलग अलग स्कीम्स इनिशियट की गई फॉर प्रमोशन ऑफ से वो वेजिटेबल बाय दर बी आई अंडर बैंक रेट ऑन विच ऑल द बैंक आर लेंडिंग मनी टू दियर बैंक लेंडिंग लैंडिंग लोन्स टू देयर कंज्यूमर्स टू देयर बोरोअर्स टू देयर बोरोअर्स इंक्रीज किया जा सकता है डिक्रीज नहीं किया जा सकता ठीक है ना इंक्रीज करोगे अगर प्राइवेट बैंक है इंटरेस्ट रेट बढ़ा दोगे लोन कौन लेगा अगर एट परसेंट है एट से आप टेन परसेंट पे लोन दे रहे हो ठीक है

साल में इकट्ठे दस लाख रुपया देना है कि मंथली बेसिस से बेसिसना है इंडिविजुअल और बैंक के रिलेशन पे डिपेंड करता है उसके इंस्टॉलमेंट ठीक है अब लोन भी अब जो सिस्टम है लोन सबको नहीं दिया जाता दिया जाता मैंने कहा एक साल तक विनीत ने जो डिपॉजिट्स किए थे बैंक के अंदर सेविंग्स उसके बेसिस में चेक किया जाएगा क्या उसकी क्रेडिबिलिटी है ट्रस्टी है ठीक है फेथफुल है विनीत बैंक के लिए बैंक विनीत के अकाउंट में जैसे कहा फर्स्ट को आया सेकंड को वो विद्रॉ करवा लेती है पैसा उसके अकाउंट में एक हजार होता है अभी तो मिनिमम लिमिट सेट कर दिया जैसे अर्बन एरिया जलंधर में और तो रुपीस आपके अकाउंट में होना चाहिए मिनिमम नहीं है तो नेगेटिव बैलेंस शो होता है ठीक है अगर फाइव से एक रुपया भी कम होगा पेनल्टी लग जाएगी आपके ऊपर हाँ जी एक साल से चल रहा है ये रूरल एरिया में तो आपका टू लिमिट होनी चाहिए आपके बैंक अकाउंट में पहले क्या होता है? दो रुपए छोड़ते थे बाकी सब विड्रॉ कर लेते लक्ष्य जैसे फॉर्मल फॉर्मल टू फॉर्म्स ऑफ क्रेडिट आर अवेलेबल इन अ मार्केट कौन सा हीरा और कोई दो दो करोड़ का लोन लेके बस चला जाए कहीं ना कहीं ऐसा नहीं होता ठीक है तो बैंक उसी को देता है सर्टिफाई करती है एक एग्जाम्पल याद आई गवर्नमेंट एम्प्लॉय कोई ठीक है कोई गवर्नमेंट गवर्नमेंट टीचर मान उसने लोन नहीं लिया उसके जो इन लॉ है जॉबलेस है उसने लोन लिया उसने गारंटी भरी उस गवर्नमेंट एम्प्लॉय की ठीक है ना उससे पहले दो चार सेक्स साइन करवा के रख लेते हैं रिकॉर्ड में रख लेंगे अगर उस पर्टिकुलर पर्सन को कुछ हो जाए जो उसका रिलेशन में जिसकी गारंटी भरी है उसके वो चेक्स को यूज करके उसके पैसे अकाउंट में से पैसा विड्रॉ हो जाए उसने गारंटी भरी हुई है बलजिंदर ने यस कनिष्का सो देयर आर टू ऑफ़ क्रेडिट आर देयर फॉर्मल सेक्टर फॉर्मल सेक्टर एंड इनफॉर्मल सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग मिनरल्स और तीसरा लाइफलाइंस वाला उसमें मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट रेलवे रोडवेज नॉर्थ साउथ कॉरिडोर ईस्ट साउथ कॉरिडोर लॉन्गेस्ट हाईवे नेशनल हाईवे बांध थोड़े से हैं उसके बाद रेलवे में छह सात उसमें देन ट्वेल्व नंबर ऑफ पोर्ट्स आर देयर सेवन एयर इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं और बस बस यस फाइव पाइपलाइंस थ्री पाइपलाइंस फाइव इनलैंड वाटरवेज ठीक है चलो आगे फॉर्मर सेक्टर ऑफ अ लोन आर प्रोवाइडिंग अ प्रोवाइडिंग लोन एस ए रीजन रिस्पॉन्सिबल फार्मर अर पीपल दे प्रेफर टू बोरो मनी लेंडर्स आप जो प्राइवेट कंपनी उनसे लोन लोगे दे नॉट आस्क डॉक्यूमेंटेशन लोन भी आपको सडनली एक दो दिन में मिल जाएगा बैंक से लोगे बैंक पूरा वेरीफाई करेगी ठीक है ना चेक करेगी चेक की जाएगी हा प्राइवेट को नहीं उसमें एक कंडीशन ये भी है जब रिकवरी